एक तरफ शहर में कोरोना मरीजों के हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल अस्पताल और मेयो अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से हड़ताल पर अड़िग है, जिससे मरीजों में खलबली मची हुई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन तत्काल ध्यान दे, यही समय की मांग है। बीते 3 दिनों से मेयो अस्पताल और GMC अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। इन इंटर्न डॉक्टरों की मांगे कुछ इस तरह है कि सभी इंटर्न डॉक्टरों का बीमा किया जाए, प्रतिदिन भोजन यात्रा प्रोत्साहन भत्ता 300 रुपए मंजूर किए जाए, साथ ही कोविड ड्यूटी के दौरान अगर कोई इंटर्न डॉक्टर बीमार होता है तो क्वारंटाइन की सुविधा एवं इलाज की जिम्मेदारी सरकार ने लेना चाहिए। यही नहीं, जिस तरह पुणे और मुंबई में पिछले साल कोविड ड्यूटी के लिए इंटर्न डॉक्टरों को 5,000 रुपए मानधन दिया गया, वो सभी इंटर्न डॉक्टरों को लागू किया जाए, ऐसी मांगे इंटर्न डॉक्टरों द्वारा सरकार से की जा रही है। आमच्या आंतरवासिता संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक कलंत्री यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या काही आमच्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्यात। काम तर सर्व ठिकाणी एकच होत आहे, पण कंपेन्सेशन वेगवेगळे देत आहेत, तर असा भेदभाव सरकारने करू नये, तरी याकडे तातडीने लक्ष देऊन आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, व जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही असेच संपावर राहू। तरी आमची विनंती आहे की लवकरात लवकर याकडे लक्ष देऊन आमच्या मागण्या पूर्ण करा। आम्ही यांना कालच निवेदन दिलं आहे की आम्ही 24 तासानंतर संपावर जाऊ, तर आजपासून आमचं आंदोलन सुरू झालं आहे मेव येथील रुग्णालयात। हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंटर्न्स है, हम लोग अब तक अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे थे एंड हमारी जो डिमांड्स थी हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी थी, पर अब तक के हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है इसलिए हमें मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हमारे स्ट्राइक का मेनली 3 रीज़न है, हमारी 3 डिमांड्स है। पहली हमारी डिमांड ये है कि हमें इंश्योरेंस चाहिए। कल के दिन कोई भी इंटर्न हम में से किसी पेशेंट को ठीक करते हुए अगर उससे कोई जान की जोखिम होती है या कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए हमें कंपेंसेशन देना चाहिए। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जितना काम कर रहे हैं, हम जिस डिफ़िकल्टी में काम कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें फेयर प्राइस चाहिए, हमें फेयर वेजेस चाहिए। बस यहाँ पे नहीं, मुंबई में और पुणे में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 50,000 रुपीज़ एंड अदर अमाउंट का पे सम दिया था। हम चाहते हैं कि वो हमें भी उतना ही डिमांड करे, हमें उतना ही पे करे। हम चाहते हैं कि हमें इक्वलिटी रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। एंड हमारी थर्ड डिमांड ये है कि कोविड ड्यूटी करने के बाद में हमें क्वारंटाइन फैसिलिटी मिले। हम में से जो लोग घर पर रहते हैं और जो लोग हॉस्टल पर रहते हैं, हॉस्टल में हम एक रूम में 3 लोग रहते हैं और घर पे हम अपने पेरेंट्स साथ में रहते हैं। अगर हम ड्यूटी करके आने के बाद घर पे ही रहे या हॉस्टल पे ही रहे तो बहुत चांसेस है कि हम हमारे कलीग्स को, हम हमारे बैचमेट्स को, हमारे रूम पार्टनर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड जो है बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कल के दिन अगर मैं थर्ड पार्टनर हूँ रूम का, अगर मुझे इन्फेक्शन होता है और अगर मैं गया नेक्स्ट डे अपने पेशेंट्स ठीक करने के लिए, तो मैं उन्हें ठीक करने के बजाय उन्हें इन्फेक्ट करके आऊँगा। बीइंग अ डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे पेशेंट्स को उल्टा इन्फेक्ट करके और ठीक करने के बजाय। सो हमें क्वारंटाइन फैसिलिटी चाहिए। सो हमारी ये 3 डिमांड्स है। कोविड का दौर शुरू होने से अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भर्ती है, ऐसे में इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंटर्न डॉक्टरों की मांगे राज्य सरकार पूरी करता है या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।